दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कीप 3R नेटवर्क के KP3R कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में। एंट्री लेवल्स, अपडेटेड लेवल्स और आने वाले दिनों आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे। कैटली कॉइन 45.6 USD पर ट्रेड कर रहा है, एक अच्छे डाउन ट्रेंड, एक अच्छे डिप के अंदर अभी भी इस कॉइन की प्राइस हमें देखने को मिल रही है। और जो भी इस कॉइन में एंट्री देख रहे हैं, एक अच्छा खासा क्विक प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए हम बात करेंगे कौन सा आपके लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट्स रहेंगे और आने वाले दिनों में आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे। एज अ ट्रेडर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से आप किन एरियाज पर नजरें बनाए रख सकते हैं, कौन से आपके लिए आने वाले दिनों में टारगेट रहेंगे, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जा सके। चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वेरीज रिजॉल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर की जाएंगी और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 45.7 USD पर अभी ये कॉइन ट्रेड कर रहा है। ये 15 मिनट का चार्ट ओपन है। ओवरऑल एक अच्छी स्टेबिलिटी इस कॉइन की प्राइस में 45-46 USD वाले लेवल पर देखने को मिल रही है। डेली के चार्ट में अगर देखें तो रिसेंटली इस कॉइन ने सेप्टेम्बर मंथ में 41 USD वाला लो बनाया था, उसके बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट भी हमें देखने को मिला जहाँ पर 52-53 USD तक प्राइस चली गई थी, उसके बाद से वापस करेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल पिछले एक दो महीने से इस कॉइन ने 45-46 USD पर स्टेबिलिटी बना के रखी है। इस लेवल पर एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। 43 USD वाला जो लेवल है एक बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया, जिसको इसने ऑलमोस्ट मेंटेन किया हुआ है। ऊपर की तरफ अगर रेसिस्टेंस एरिया की बात करें तो 52 USD वाला एक अच्छा खासा हार्डली रिजेक्शन एरिया है, जहां से इसको रिजेक्शन फेस करने को मिल रहा है। प्रीवियसली जो 53-52 USD वाला जो लेवल है वो सपोर्ट एरिया था। अगस्त मंथ से पहले, जुलाई मंथ, अगस्त मंथ पर इस कॉइन में 54-55 USD पर मेंटेन था, वहाँ पर भी हमने अच्छे खासे लेवल पर एंट्री लेकर के ये जो ब्रेकआउट्स हुए बीच बीच में, 69 USD वाला जो लेवल इस कॉइन ने 30 ऑफ जुलाई को ट्राई किया था, हमने 11th ऑफ जुलाई को इस कॉइन में एंट्री लेकर के प्रॉफिट जनरेट किया, उसके बाद वापस जब ड्रॉप देखने को मिला यहाँ पर, तो हमने अभी रिसेंटली 20th of August को इस कॉइन में एंट्री ली थी, जो कि ऑलमोस्ट हमने आपको 46.2 और 43 USD दो लेवल पर आपको एंट्री शेयर की थी। 43 USD से नीचे भी प्राइस चली गई थी और 46 पर भी आपने बाय किया होगा। दोनों लेवल्स पर आपने बाय करके और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया हुआ, एक क्विक प्रॉफिट था, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला। नॉर्मली इस कॉइन में बीच बीच में कुछ ब्रेकआउट्स होते रहते हैं जो कि 20-30% के रहते हैं। हालांकि अभी कुछ टाइम से ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, लेकिन आप चाहें तो इसमें एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है और स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। सेकंड है कि जितने भी कॉइन हैं उतने कॉइन सर्कुलेटिंग सप्लाई में हैं, तो आने वाले दिनों में इस टाइप की कोई कंडीशन नहीं रहेगी कि कॉइन रिलीज़ होंगे तो प्राइस डंप देखने को मिलेगी। इस टाइप के कुछ भी होता है तो प्राइस में डंप देखने को मिलेगा, सडनली प्राइस में डंप देखने को नहीं मिलता है। सेकंड, BTC जिस टाइप से मूव करता है, BTC के साथ साथ इसकी प्राइस में अच्छी खासी स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। BTC अगर डाउन जाता है तभी इस कॉइन में ड्रॉप देखने को मिलता है, और उतना ही ड्रॉप रहता है जितना BTC में होता है, लेकिन मूवमेंट जो है ऊपर की तरफ अच्छा खासा देखने को मिलता है। वीकली में अगर यहाँ पर बात करें तो वीकली में ये कॉइन लगातार डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है, लगातार हमें डंप देखने को मिल रहा है। वीकली में भी इस कॉइन को 40 USD वाला एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है, ऊपर की तरफ 54-55 USD वाला लेवल वीकली में रेजिस्टेंस एरिया है, और जब तक ये कॉइन 54-55 से ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं करेगा तब तक हमें अच्छा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं जिन्होंने प्रीवियसली एंट्री नहीं ली है, अभी बाय करना चाहते हैं अच्छे लेवल पर। 45.5 USD पर ये कॉइन ट्रेड कर रहा है, 45.5 या 45.6 USD से नीचे अगर आपको ये कॉइन मिलता है, जब आप वीडियो वॉच करें, थोड़ा अगर लेट भी वॉच करेंगे तब भी अगर ये कॉइन आपको 45.7 से नीचे मिलता है, बाई कर सकते हैं, अच्छा लेवल है। एंट्री आपको फर्स्ट एंट्री 70% पार्ट से लेनी है, जो भी अमाउंट आप इस कॉइन में लगाना चाहते हैं उसके 70% पार्ट से आपको एंट्री लेनी है।
सेकंड आपको 42 USD पर एंट्री लेनी है, जो रहेगी आपकी बाकी 30% पार्ट से। इस टाइप से 70-30 के रेशो में आपको इस कॉइन में एंट्री लेनी है। अच्छा लेवल है, यहाँ से आप चाहें तो शॉर्ट टर्म का लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव भी बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म में भी आपको अगर यहाँ से बुल रन आने वाले टाइम फ्रेम के अंदर 2024 देखिए ओवरऑल जो बुल रन है वो स्टार्ट हो चुका है, हम बुल रन में एंटर कर गए हैं। लेकिन बुल रन ऐसा एकदम से नहीं आता कि हमने एंटर किया और BTC डायरेक्टली 50,000 60,000 या 70,000 को हिट करेगा। यहाँ से हम धीरे धीरे ऊपर वाले लेवल को देखिए, BTC ने पहले ऑलरेडी 31-32,000 को ट्राई किया था, उसके बाद अच्छा खासा डंप हुआ, दो बार डंप हुआ, फिर अभी मूव कर रहा है। तो अक्टूबर मंथ जो है वो प्रीवियस ईयर्स में जितने भी ईयर्स हम 5-6 साल अगर देखें, 5-6 साल के चार्ट्स को देखें, तो अक्टूबर मंथ ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहा है। 10% 12% 20% तक का मूवमेंट BTC में देखने को मिला है। तो यहाँ से अभी BTC ऑलरेडी अक्टूबर के स्टार्टिंग से ही ट्राई कर रहा है, 28,000 को दो बार ट्राई किया है, अभी 2-3 बार रिजेक्शन फेस करने को मिला है। अभी ओवरऑल आज वापस अगर ट्राई करता है और डेली क्लोजिंग अगर 28,000 से ऊपर हो जाती है तो हमें ओवरऑल नेक्स्ट जो टारगेट है वो 29,000 या उससे ऊपर वाला लेवल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इन दो लेवल्स पर बाइंग के बाद सेकंड आपका जो टारगेट की अगर बात करें तो ऊपर की तरफ 54 USD वाला टारगेट रहेगा, जहाँ पर आपको अपना 60% टोकन सेल करना है। 58 USD वाले लेवल पर बाकी 40% पार्ट सेल आउट करना है। इस टाइप से 60-40 के रेशो में जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव वाले हैं वो 54 और 58 USD पर सेल करेंगे। जो शॉर्ट टर्म वाले हैं जो मंथली बेसिस पर होल्ड करके 40-50% का प्रॉफिट टारगेट रखते हैं, वो 62 USD वाले लेवल पर अपना 100% पार्ट सेल आउट करेंगे। इन लेवल्स की आपको सेल लिमिट लगा देनी है। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म में भी आने वाले टाइम फ्रेम में बुल रन में 2024 के एंड या 2025 के स्टार्टिंग तक हम इस कॉइन को 200 USD से ऊपर वाले लेवल 250-260 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर BTC अपने प्रीवियस हाई को ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर जाता है तो। इसके अलावा अगर आपने इस कॉइन में पहले जल्दीबाजी में कुछ लेवल्स, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर ट्रेडर नए आए हैं वो जल्दीबाजी में बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो अगर आपने इस कॉइन को 60 USD 70 USD वाले लेवल पर बाई किया हुआ है तो अगर आपकी 55 USD से ऊपर की बाइंग है तो जो भी आपका रिकवरी एरिया, जो भी आपकी बाइंग प्राइस है उस पर आपको सेल लिमिट लगा के पहले रिकवर कर लेना है, उसके बाद प्रॉफिट अदर ट्रेड्स से प्रॉफिट के बारे में सोचना है। जो जो इस टाइप के नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए, जो इस टाइप की गलतियां करते हैं, वो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में ज़रूर इनरोल करें। वहां पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जाएगी, चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वेरीज रिजॉल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर की जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी यहां पर बायो सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें। यहां पर हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।